हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज थर्सडे, आज मेरी छुट्टी है और मैंने छुट्टी पे दिखाता हूँ आज क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। आज आप सबको मैं दिखाता हूँ मेरे घर पे कौन कौन से पापड़ और चिप्स बने हैं। ये चिप्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये फास्ट के चिप्स बने हैं। ये एक एक चिप्स देख सकते हैं आप, डिज़ाइनर चिप्स बने हैं। और ये आज रवा के बने हैं, रवा के पापड़ बने हैं। सुबह उठ के काफ़ी देर तक तैयारी चलती रही, फिर ये रवा के पापड़ बने, थोड़े इस पे बने हैं, थोड़े उस पे बने हैं, दो हैं। और ये पापड़ छोटे छोटे जो है मैंने बनाए थे, और ये बड़े बड़े पापड़ मेरी मम्मी ने बनाए हैं। और ये देख सकते हैं आप, आलू के पापड़ हैं। ये व्रत में फास्ट में खाने वाले पापड़ बने हुए हैं। ये व्रत और फास्ट में खाइए, बहुत अच्छे से खाइए। और ये सब देख सकते हो आप। अब मैं चलता हूँ आगे छत पे। मेरी पूरा छोटी छत थी, ये देख सकते हो आप। ये सुबह बने हैं ताजे पापड़। ये आलू के पापड़, ताजे आलू के पापड़ बने हैं। लेकिन हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर बंदर बहुत हैं। पापड़ बनाओ उसके बाद बंदर बचाने पड़ते हैं। ये बंदर, अब जैसे कि बंदर आ गए हैं, बगल वाली आंटी चिल्ला रही हैं, आओ जल्दी आओ जल्दी, बंदर बहुत आ गए हैं। आप सुन सकते हैं, हाँ बहुत बंदर आ गए हैं, क्या करें। बंदर मानते नहीं हैं, अपने आगे काटने लगते हैं, दौड़ाते हैं सबको। मैंने इसमें छोटी सी घुइया का पेड़ लगाया था और वो बड़े बड़े पत्तों के साथ बड़ी हो गई है। इसमें खाद बनाई थी मैंने, घुइया डाल दी थी और अब वो बड़ी बड़ी हो गई है। ये घुइया का पेड़ है। बाकी अभी कपड़े धुल के आ रहे हैं सब, घर सब कपड़े फैले हैं धुले। आगे से पीछे तक के आप देख सकते हैं चिप्स पापड़ का इस समय ढेर है। ओके बाय, अब एक ब्लॉग बनाऊंगा, मैं भी जा रहा हूँ मार्केट करने, फिर बनाता हूँ लौट के आके। बाय बाय।